आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित त्रियादि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेनुइनली मैं आज आके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है, पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और दो चार बीमारियां, एक दो जो इनको हैं, ये ठीक होके आए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं, उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011772777, IFSC PUNB 00212100, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01190100324299, IFSC BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो चिन्हवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। स्वरूप सुंदर हो तो अच्छा लगता है, कोई बहुत सुंदर बहू और महाकलाकारनी हो तो 2-3 दिन बाद कैसी लगने लगती, भैया ये तो इससे तो अच्छे वैसे ही अच्छे थे। ध्यान रखना, हम लोग गलती यही कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा कि परमात्मा सर्वांग सुंदर हो इसलिए आपको वस्त्रों की जरूरत नहीं है, और आपका कोई शत्रु नहीं है, आपका कोई शत्रु नहीं इसलिए आपको शस्त्रों की जरूरत नहीं है। आप सच बताना, राम किसको मानोगे तुम? राम किसको मानोगे? यदि धनुष लिए हैं तो राम हैं। अब बताओ, धनुष बड़ा है कि राम बड़े हैं? धनुष नहीं लिए हो तो राम ही नहीं, गदा नहीं लिए हो तो हनुमान ही नहीं, समझ गए? यदि गले में सांप नहीं डले हो तो शंकर ही नहीं। हमने कि कैसे हो तुम, भगवान को भी कहीं समुद्र में पटक दोगे, कहीं उनके गले में सांप डाल दोगे, तुम किसी को फांसी पर चढ़ा दोगे, किसी को पत्थर मारोगे, पारसनाथ पर भी पत्थर फेंके, तुम जब तक कोई आग में नहीं तप जाए तब तक तुम्हें परमात्मा ही नजर नहीं आता, और मरे परमात्मा को तुम बहुत इज्जत देते हो, समझो? जब तक कोई जिंदा रहता है, कहते हैं जब तक जिंदा था तो पूछने नहीं आए, आज घर पर बैठने चले आ रहे हैं, समझे? जब तक जिंदा है तो कोई दो वक्त बैठता नहीं है, जब मरते हैं तो तुरंत बैठने चले आते हैं।
जब जिए थे तो दो बोल नहीं बोले, अब मरने के बाद कह रहे कुछ बोल जाओ कुछ बोल। अब क्या करेगा बेचारा बोलकर, इतने साल बोल गया तब कुछ अच्छी बात नहीं बोल गया, इतने साल कोई अच्छे काम नहीं कर गए। तो ध्यान रखना हम एक ही इंद्रियों को, क्योंकि एक बार किसी का फोन बज रहा था तो मैंने कही फोन बज रहा है, बोले नहीं वो दूसरी जगह उठ जाएगा। हमने कि मतलब, बोले दोनों जगह उठ जाता है। तो आपको भी परमात्मा ने कान दिए हैं, दोनों जगह उठ जाते, दोनों से सुनाई पड़ती है। लेकिन क्या सुनना, गंदे गीत सुनना या भक्ति संगीत सुनना, ये तुम्हारे कानों पर निर्भर है। क्योंकि तुम्हें हाथ दिए हैं, अब तुम पूजन करते हो या किसी की हिंसा करते हो, तुम्हारे हाथ में पूजन की थाली आती है या चाकू किसी को मारने आता है, तुम्हारे ऊपर हाथ का क्या दोष है। पैरों से तुम तीर्थ जाते हो या शराब खाने जाते हो, पैर दोनों जगह पहुंचा देते हैं, पैर शराब खाने भी पहुंचा देते हैं और मंदिर भी पहुंचा देते हैं। एक बार एक जगह एक राम मंदिर था, कुछ लोगों ने कहा राम के भक्त कम आने लगे, इसे कृष्ण का मंदिर कर दो, तो राम के बंद हो गए कृष्ण के आने लगे। फिर लोगों ने कहा इसे चर्च बना दो, तो दोनों बंद हो गए ईसाई लोग आने लगे। फिर किसी ने कहा इसे मस्जिद बना दो, तो सब हिंदू बंद हो गए मुस्लिम लोग आने लगे। किसी ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो जैन ही आने लगे, बाकी सब बंद हो गए। लेकिन फिर एक बार एक व्यक्ति ने कहा एक बार करके तो देखो, इसे क्लब बना दो, इसे क्लब बना दो, आप समझ गए सब आने लगे। यानी परमात्माओं में तुमने भेद कर रखे हैं, गलत जगह तुमने भेद नहीं कर रखे। तुम कैसे पुजारी हो कि परमात्मा भी को भी तुम कहते हो ऐसे होगे तो मानेंगे। अरे कैसे भी, कई लोग हमसे कहते माता जी ये मूर्ति सही की, ये मूर्ति सही। हमने कहा हमें मूर्तियों में सब सही नजर आता है, उनकी मुख मुद्रा नहीं, उनकी अंतर मुद्रा नजर में आ जाए तो सब कुछ नजर आता है। बहुत सुंदर बात कही है, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि परमात्मा तुम्हारा ऐसा सुंदर रूप था बालपने में भी कि जिसे देखने के लिए इंद्र को भी 1008 नेत्र कर ले तू भी तृप्त नहीं होता था। मत जाना ये नाम कर्म की स्वरूप है, बाहर से मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, ध्यान रखना मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, कलर थोड़ा काला हो या गोरा हो, क्या फर्क पड़ता है। ये रंग रोगन तो बाहर के आवरण है, हम अंदर में चित्र सुंदर बनाएंगे तो चरित्र सुंदर हो जाएगा, और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो घर घर में अंकित हो जाएगा, हर पुण्यात्माओं के दिल में अंकित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के लगे होते थे, हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के, महान आत्माओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, अच्छे राजनेताओं के लगे होते थे। आज किनके चित्र लगे होते हैं, जो चरित्र से महाहीन हैं, जिनकी तस्वीरें लगाए लोग घर में फिरते हैं, उनके पति से पूछ लो कि वो कैसी कलाकारनी है। एक बार एक पागल खाने में कोई निरीक्षण करने गया नेता, तो उसने देखा कि एक पागल बहुत सिर फोड़ फोड़ के रो रहा है और बहुत चिल्ला रहा है मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो दूसरे को देखा, कहने लगे ये हो सकता ज़्यादा पागल हो। दूसरे को देखा तो वो भी चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसने कहा, पूछा पागल खाने के मैनेजर से, दोनों एक कह रहा था बचाओ एक कह रहा था कि, तो बोले एक ही स्त्री थी एक ही लड़की थी, ये पाना चाहता था इसको नहीं मिली इसलिए ये पागल हो गया, वो दूसरे को मिल गई इसलिए पागल हो गया। आप समझ गए, दूसरे को मिल गई वो इतनी खतरनाक थी। तो तीसरा वहीं खड़ा था,
जो नेताजी के साथ गया था, बोला अच्छा हुआ ये पता चल गया, वरना मैं तो उसी के लिए सोच रहा था कि मिल जाए। आप समझ गए, अभी भी मिल जाए। आप लोग भी यही सोचना कि संसार ऐसी फिसलन है, जो मिल जाए वहाँ तृप्ति नहीं होती है। और सच पूछो, तृप्ति होती नहीं, क्योंकि तृप्ति कभी कहीं नहीं होती है। वासनाएं अपने आप में कहती वासना 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 कर, क्योंकि आपको पता है बाहर से जो दिख जाए तुम उसे ही सच्चा मान लेते हो। रामलीला में कोई राम का रोल कर रहा हो, तुम पैर पूजने पहुंच जाते हो। कभी सोचा वो पर्दे के पीछे तंबाकू गुटखा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, लेकिन तुम कह रहे रामचंद्र जी रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी, बाहर के रामचंद्र को कब तक पूछते रहोगे? बाहर के नेमिनाथ और आदिनाथ महावीर को कब तक पूछते रहोगे? कब तक कहते रहोगे कि वो हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे? आपने देखा जिनका अपना कोई अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, वो दूसरों के कंधे पर हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे बाबा। तुम देखो अपने आप को कैसे हो, तुम कब तक कहते रहोगे कि हमारे भगवान ऐसे थे? इसका मतलब है तुम महाकायल और कायर हो, जो कि यही सोचते रहते हो हमारे भगवान ऐसे थे। मैं कहती हूँ दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे हमारे चित्त भी शुद्ध होंगे तो अच्छे चरित्र वाले आपके परिवारों में आएंगे। हमें दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को दुनिया में लाना है, क्योंकि हमेशा लोग कहते पहले का युग अच्छा था। हमने कहा युग कभी अच्छा नहीं था, क्योंकि युग अच्छा होता तो मोक्ष नहीं हो जाता, युग अच्छा होता तो मोक्ष हो जाता। लेकिन बस इतनी गलती करते हैं हम, पहले के अच्छे आदमी से आज की दुनिया को तौलते हैं। पहले भी बुरे लोग थे, क्योंकि जहाँ भाई भाई में प्रेम था वहाँ अयोध्या थी, और जहाँ भाई भाई में तकरार थी वहाँ लंका थी। ध्यान रखना, एक ही युग में सतयुग भी था और कलयुग भी था। लंका में त्रिजटा और विभीषण था तो सतयुग था, और जहाँ पर भाई विरोध था वहाँ लंका थी। आप लोग अपने घर को लंका नहीं बनाना, अयोध्या बनाना। भाई भाई में देवरानी जिठानी में प्रेम लाना। लोग कहते माता जी हम कितना भी कर ले वो सामने वाली है ही ऐसी। हमने कि सामने वाली क्या अच्छी है? अरे पत्थर को हटा कर तो देखो, हर पत्थर के नीचे प्रेम का झरना फूटता है। एक जगह मंदिर का काम चल रहा था, कई मजदूर लगे थे, मिस्त्री काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो एक मिस्त्री से, कहने लगे आपको दिखता नहीं क्या पत्थर फोड़ रहा हूँ। बड़े क्रोध में था, बोला पत्थर फोड़ रहा हूँ, पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ, यही किस्मत में लिखा था। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि क्या बताएं, बस पत्थर तोड़ते तोड़ते आजीविका भी पल जाती है, ये भी हो जाता है। थोड़ा सा कम उदास था लेकिन अच्छा नहीं था। तीसरे से पूछा, कहने लगे बच्चों को पालने कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही काम कर लेते हैं, बच्चे पल रहे हैं, ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। लेकिन चौथे व्यक्ति को देखकर तो उत्सुकता जग गई कि ये भी यही काम कर रहा है। लेकिन बड़े आनंद से इतने प्यार से निहार निहार कर उस छैनी को चला रहा है और बड़े प्यार से गीत गुनगुना रहा है। मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहने लगा हमारा सौभाग्य जो परमात्मा दुनिया को बनाता उस परमात्मा को मैं बना रहा, उस परमात्मा को मैं बना रहा हूँ। आप भी अपने जीवन में ध्यान रखना, हम अपने अंदर अपनी आत्मा को परमात्मा बना कर जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखना, ये हमें कान की तरह लाउड स्पीकर दिए हैं, किन से आवाज अंदर आती है? नाक सुंदर सुगंधी के लिए दो नाक के छिद्र दिए हैं, और जुबान दिए कि मिलकर रहना, समझ गए? ओंठ कहते हैं मिलकर रहना, अंदर 32 भी हो तो सबको ढक कर रखना। फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए, अपने घरों की बात न गैरों सुनाइए,
यूं प्यार में तकरार तो होती है घर जगह, यूं प्यार में तकरार तो होती है घर जगह, अपने घरों की बात न सड़कों पे लाइए, अपने घरों की बात न सड़कों पे लाइए, फूलों पे बैठी तितलियों को ना उड़ाइए। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित त्रियादि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेनुइनली मैं आज आके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है, पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और दो चार बीमारियां, एक दो जो इनको हैं, ये ठीक होके आए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं, उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011772777, IFSC PUNB 00212100, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01190100324299, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।